Hi everyone. In the last lecture, we read about some problems which is based upon the chemical properties of metals and non-metals. Today we will discuss about uses of metals. Dear student, हम लोगों ने पिछले lecture में क्या पढ़ा था? मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया था. आज हम लोग मेटल्स का यूज पढ़ेंगे. सो आवर हेडिंग इज यूजेस ऑफ मेटल्स. चलिए देखते हैं मेटल्स के यूज क्या क्या हैं. ठीक है ना, तो बहुत सारे यूज हैं. ठीक है, सो यूजेस ऑफ मेटल्स आर गिवेन बिलो. मेटल्स के जो यूजेस हैं वो हम लिख दे रहे हैं, जिसमें से पहला है, देखिए फर्स्ट यूज मेटल का यूज. हम लोग मान लीजिए हमारे पास दो चार मेटल हैं, जिसमें हमने नाम लिख ले रहे हैं. आयरन मेटल ले ले रहे हैं, आयरन हो गए आपके, कॉपर हो गए हैं और एल्यूमिनियम हो गए हैं. ठीक है ना, तो आयरन एल्यूमिनियम कॉपर, ठीक है, ये मेटल हो गए. और इन मेटल्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग पॉट को क्रिएट करने में है. कुकिंग पॉट, क्रिएशन ऑफ कुकिंग पॉट एंड वाटर बॉयलर. वाटर बॉयलर, और वाटर बॉयलर का यूज कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है, फॉर फैक्ट्री. ठीक है ना, सो वी कैन से दैट आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक कुकिंग पॉट एंड वाटर बॉयलर फॉर फैक्ट्री. ठीक है, आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल का यूज हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं और वाटर बॉयलर में, जो कि फैक्ट्रियों में यूज होता है. अब सेकंड यूज इसका देख लेते हैं हम लोग. तो सेकंड यूज में देखिए, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, ये इलेक्ट्रिक वायर्स ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं. कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. ये वायर जो हमारे घर में लगे होते हैं वही सब वायर में आते हैं. ठीक है ना, देन थर्ड यूज है आपका, थर्ड यूज देखिए, जो हमारे पास मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन को पैकिंग करने में, सो पैकिंग ऑफ मेडिसिन चॉकलेट्स फूड आइटम्स. ठीक है, मेडिसिन को पैक करने में, चॉकलेट को पैक करने में और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं उनको पैक करने में हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं, जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ज़्यादा दिन तक आपके यूज में आ सकते हैं. ठीक है, देन फोर्थ यूज है आपका एल्यूमिनियम मेटल का यूज हम लोग किस में करते हैं, एरोप्लेन को क्रिएट, एरोप्लेन के पार्ट्स को बनाने में. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला फोर्थ वाला. वी कैन से दैट एल्यूमिनियम मेटल एल्यूमिनियम मेटल इन फॉर्म ऑफ अलॉय इज यूज टू मेक एरोप्लेन्स. ठीक है, जो एल्यूमिनियम मेटल होता है इसको अलॉय के टर्म में हम लोग एरोप्लेन के पार्ट्स क्रिएट करने में करते हैं, एरोप्लेन क्रिएट करने में करते हैं. फिर देखिए फिफ्थ में आता है, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है,
ठीक है, ये हो हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड आरबीसी होता है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, वो क्या होता है, रेड होता है, और इसमें कौन सा मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट इन आवर बॉडी आयरन मेटल इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स आर नोन एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो रेड कलर होता है वो आयरन मेटल के कारण होता है। फिर देखिए सिक्स्थ में, सिक्स्थ देखिए जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, थर्मामीटर्स में क्या होता है, जो लिक्विड यूज करते हैं वो क्या होता है, उस लिक्विड का नाम, ये लिक्विड पहली बात एक मेटल होता है, लिक्विड मेटल होता है, और इसका नाम होता है मरकरी, ठीक है। थर्मामीटर को क्रिएट करने में हम लोग मरकरी लिक्विड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यही एक ऐसी मेटल है आपके पास जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मेटल होके भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। फिर देखते हैं अगर 7 पॉइंट है, सिल्वर और गोल्ड की बात कर लेते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड इज यूज्ड, सॉरी, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, ठीक है ना। सिल्वर और गोल्ड का यूज हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाने में करते हैं, ठीक है। देन 8 पॉइंट है आपका, आयरन मेटल का यूज हम लोग और कहाँ कर सकते हैं, आयरन मेटल का आप लोग यूज कर सकते हैं रेलवे लाइन में, रेलवे लाइन आपके हो गए, ठीक है ना, पाइप्स हो गए, ठीक है, ये सब में आप आयरन मेटल का यूज कर सकते हैं। देन 9th वाला है आपका जिंक मेटल, जिंक मेटल का हम लोग यूज क्या करते हैं, रफ्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं जिंक मेटल का, ठीक है। जिंक मेटल का यूज आप लोग रफ्टिंग से मेटल्स को रफ्टिंग से प्रोटेक्ट करने में करते हैं, ठीक है ना। और भी मेटल्स के बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है, तो जितनी इम्पोर्टेंट थी वो आपको बता दी गई है, और भी आप बहुत सारे मेटल्स हैं और बहुत सारे उनके यूजेस होते हैं, बट जितनी इम्पोर्टेंट थी उतनी आपको बता दिया गया, और ये समरी कर लेते हैं, ठीक है ना। यूजेज ऑफ मेटल में हमने पहला आपको बता दिया कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, कुकिंग पॉट को क्रिएट करने में, बॉयलर्स बनाने में, ये सब में करते हैं, ठीक है ना। जो वायलर्स क्या होता है, वाटर बॉयलर करते हैं, फैक्ट्री में यूज होता है। फिर देखिए हमारे घरों में जो वायर्स यूज होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के ही होते हैं। देन आप देख लीजिए जो मेडिसिन की पैकेजिंग होती है, चॉकलेट को पैक करने और भी फूड्स, बहुत सारे फूड आइटम को पैक करने में हम लोग एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं, जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा समय तक सुरक्षित बना रहता है। देन आप देखिए जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स के पार्ट को क्रिएट करने में एल्यूमिनियम अलॉय का यूज़ करते हैं। अब एल्यूमिनियम अलॉय का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हल्का हो जाता है, दे इसका यूज कर देते हैं। देन देखिए हमारे बॉडी में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उससे आपके क्या, उससे आपके क्या क्रिएट होते हैं, सॉरी, उसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। रेड ब्लड सेल ये हीमोग्लोबिन होते हैं और इसमें आयरन मेटल रहता है। देन आप जानते हैं थर्मामीटर, थर्मामीटर में जो लिक्विड यूज़ होता है, जो मेटल लिक्विड में यूज़ होता है उसे मरकरी कहते हैं, और ये मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। अब देखिए थर्मामीटर में और बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, क्यों इसी का क्यों यूज करते हैं, हम आपको किसी दिन डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल इतना ही जानिए, बाद में फिर बताएंगे हम। सिल्वर और गोल्ड का यूज़ आप लोग ज्वेलरी में करते हैं, फिर आयरन मेटल का यूज़ हम लोग रेलवे लाइन में करते हैं, जो रेलवे की पटरी होती है वो सब आपकी आयरन के ही बनी होती है, और भी बहुत सारे पाइप का यूज करते हैं, पाइप का यूज बनाने में करते हैं। फिर जिंक मेटल का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, रफ्टिंग से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।